ये इनकी दुकान के अंदर रात को 8 साढ़े 8 बजे भगवान की पूजा करके और ये प्रॉपर रेजिडेंस पे चल गए थे। उसके बाद के अंदर बाहर काफी मात्रा में पटाखे छूट रहे थे। हो सकता है उस पटाखे की कोई चिंगारी नीचे से आई हुई हो है, या ऊपर से कोई बिजली का कोई चिंगारी आके उसमें पड़ी हुई है, उसकी वजह से गद्दा और भगवान का प्रतिष्ठान जो भी चीज थी वो जल के राख हो गई। मालूम पड़ा बाहर धुआं निकला था, तो बाहर वालों ने इतला दी। उसके बाद में नीचे आए, अपनी बाल्टी वाल्टी से पानी वानी से बुझाया करा उसको, वो सारा ले भी करके। ये 3:15 बजे की बात है सर। 3:15 बजे मालूम किया तो यहाँ पे काफी धुआं धक्कड़ हो रहा था, उसे पानी से बुझाया गया था। और ये नया बाजार क्षेत्र में प्रहलाद कलर कंपनी की दुकान है सर। है सर, नुकसान कितना हो गया होगा? नुकसान का कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है, अभी देखा जाएगा जब उसके बाद में मालूम पड़ेगा। ये इनकी दुकान के अंदर रात को 8 साढ़े 8 बजे भगवान की पूजा करके और ये प्रॉपर रेजिडेंस पे चल गए थे। उसके बाद के अंदर बाहर काफी मात्रा में पटाखे छूट रहे थे। हो सकता है उस पटाखे की कोई चिंगारी नीचे से आई हुई हो है, या ऊपर से कोई बिजली का कोई चिंगारी आके उसमें पड़ी हुई है, उसकी वजह से गद्दा और भगवान का प्रतिष्ठान जो भी चीज थी वो जल के राख हो गई। मालूम पड़ा बाहर धुआं निकला था, तो बाहर वालों ने इतला दी। उसके बाद में नीचे आए, अपनी बाल्टी वाल्टी से पानी वानी से बुझाया करा उसको, वो सारा ले भी करके। ये 3:15 बजे की बात है सर। 3:15 बजे मालूम किया तो यहाँ पे काफी धुआं धक्कड़ हो रहा था, उसे पानी से बुझाया गया था। और ये नया बाजार क्षेत्र में प्रहलाद कलर कंपनी की दुकान है सर। कोई नुकसान कितना होगा? है सर, नुकसान कितना हो गया होगा? नुकसान का कोई आंकड़ा नहीं लगाया जा सकता है सर, अभी देखा जाएगा जब उसके बाद में मालूम पड़ेगा। सभी शहर वासियों को और हमारे वार्ड वासियों को और पूरे अजमेर शहर को दीपावली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। सबके घर में खुशहाली आए, सबके दीपावली अच्छे रूप में मने। बच्चे अपने पटाखे जब छुड़ाए हैं तो घर के लोगों को उनके साथ रहें, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। और हम लोग यही चाहेंगे कि अजमेर में इस वर्ष जो दीपावली मनाई जा रही है बड़ी धूमधाम से मनाई जाए, और लोगों को लोगों के घर में अगर कोई भी दुख है तो वो उस दुख दूर हो जाए, ऐसी हम लक्ष्मी जी से कामना करते हैं। और दीपावली की हार्दिक बहुत बहुत पूरे शहरवासियों को सुनता हूँ। ओम धर्मावतार वरुणावतार रामावतार सुख सिंधु सारम संसार पार निगम प्रचार श्री लाल देवु मित्रा नमामि। आप सभी अजमेर शहरवासियों को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ। लक्ष्मी माता आप सभी के घरों में शुभ लाभ रिद्धि सिद्धि संतोष समृद्धि वैभव लक्ष्मी सहित आपके घर में निवास करे, इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को मैं यह संदेश देना चाहूँगा कि अपने आस पड़ोस में गरीब व असहयोग वाले बच्चों को परिवारों को सहयोग करें, मिठाई बांटें, पटाखे बांटें, खुशियाँ बांटें, सबके साथ मिलकर दीपावली मनाएं। यह दीपावली आप सबके लिए मंगलकारी हो, लाभकारी हो, आप सभी के घरों में सुख शांति का वास हो। मैं घनश्याम भगत, महासचिव सिंधी संगीत समिति अजमेर।